चलिए यहाँ पर बात करेंगे अफगानिस्तान ODD जो खेला जाएगा यहाँ पर HS वर्सेस PAL के बीच मुकाबला खेला जाएगा। लास्ट सीजन दोनों टीम बहुत सारे मुकाबले खेले थे और इस टीम पे अलग अलग प्लेयर भी है। एक एक मुकाबला सीरीज में ऑलरेडी खेला जा चुका है, एक मैच ओवेंडेड हुआ था, एक टीम का मैच जो है वो कम्प्लीट हुआ था, लेकिन उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लास्ट सीजन के सारे स्कोर कार्ड एक बेहतर टीम बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या इनका लाइनअप आता है नहीं आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा GL से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट भी मिलेगा जो GL विन करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले लास्ट सीजन का स्कोर कार्ड देखते हैं। यहाँ पर PAL की टीम जो पहले यहाँ पर गेंदबाजी किया, सैयद सिरजाद ने यहाँ पर डेथ ओवर में भी ये गेंदबाजी करवाता है, 10 ओवर में एक मिडन के साथ एक विकेट ले गए। बिलाल सामी ड्रीम इलेवन का हिस्सा शायद नहीं है, ये तनीवाल यहाँ पर 8 ओवर में 14 रन। आमिर हमजा होटक नाम से होगा, ऑलराउंडर सेक्शन में गजब का ये क्वालिटी गेंदबाज है, साथ में अगर यदि बल्लेबाजी मिली तो कुछ हद तक बल्ले से योगदान दे देते हैं। गुलबादी नैब आपको पता होगा अफगानिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर है, जबरदस्त ऑलराउंडर है, निचले क्रम पे बल्लेबाजी करता है, हार्ड हिटिंग कर लेता है। सईदुल्ला अशरफ की बात करिए, गेंदबाजी के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं और गजब की ये स्पिन गेंदबाजी करते हैं, साथ में बल्लेबाजी गुलबादी नैब से कई बार पहले कई बार बाद में भी आता है, अच्छा खासा ये कर लेता है। बात की जाए इनकी बल्लेबाजी पे, तो बल्लेबाजी यहाँ पर देख सकते हैं समीउल्लाह सेनेवारी जो कि लास्ट मुकाबला भी नहीं खेले, सईदुल्ला जो कि स्पिन गेंदबाजी मैंने बताया यहाँ पर 73 का योगदान, थोड़ा ऊपर आए गुलबादी नैब से बल्लेबाजी करने के लिए। अब्दुल्ला तनीवाल की बात करें 28 का योगदान दिया। रहमत शाह जो कि अफगानिस्तान टीम से लगभग देखा जाए T20 संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डोमेस्टिक खेलते हैं, अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से लास्ट मैच का स्कोर कार्ड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, वैसे टीम तो सारे खंगालने के बाद ही आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो रिजवान हसन ने यहाँ पर 58 का योगदान दिया, बहिर शाह गजब का ये प्लेयर है, पार्ट टाइम गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी कम करवाता है, डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखे वो तो काफ़ी बढ़िया, इन्होंने 57 का योगदान दिया। गुलबादी नैब 73, साथ में 2 विकेटें भी ले गए। मोहम्मद ताहिर पार्ट टाइम गेंदबाजी 62 का योगदान। अशरफ की बात की जाए क्वालिटी स्पिनर है, खास नज़र रखना, 19/31 यहाँ पर जड़ दिए। गेंदबाजी क्या रही भैया, गेंदबाजी जहीर खान के नाम रहा, इंटरनेशनल प्लेयर, 3-4-5 नहीं बल्कि 6 विकेटें ले गए, आधे से ज़्यादा टीम को इन्होंने अकेले पे समाप्त किया। अशरफ ने 2 विकेटें, गुलबादी नैब ने भी 2 विकेटें, एफ अहमद एक मिडन के साथ कोई विकेटें नहीं, एस सिरजाद ने यहाँ पर 5 ओवर पे 17 रन दिया। तो इस प्रकार से इनका गेंदबाजी बल्लेबाजी क्रम रहा, जबरदस्त तरीका से विन करके आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्वालिटी से क्वालिटी गेंदबाज है, डेथ गेंदबाज है, साथ में बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा 7 से 8 नंबर तक इनका अच्छे बल्लेबाजी है, तो एक अच्छा टीम माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर HS के ऊपर देखा जाए यहाँ पर मैच ओवरएंडेड करार दिया गया, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पहले गेंदबाजी किया HS की टीम, यहाँ पर निजात मासूद जो कि डेथ में गेंदबाजी करते 3 विकेट ले गए। जियाउर रहमान का भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी GL पे ट्राई करना। अब्दुल रहमान गजब का स्पिन गेंदबाजी ये करता है, लेकिन इनको अच्छा खासा पिटाई पड़ा, लेकिन अब्दुल रहमान एक बढ़िया स्पिनर है, ये भी GL के लिए ज़्यादा बेहतर है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएगा। करीम जनत देखा जाए इंटरनेशनल प्लेयर अफगानिस्तान के, जबरदस्त ऑलराउंडर, कैप्टन वास के लिए प्रबल दावेदार होने वाला। आमिर हमजा विकेट लेस गया, लेकिन क्वालिटी स्पिनर है, साथ में बल्लेबाजी मिलने पे बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। खलील गुरबाज की बात करें इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उतना भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन डेथ में कुछ ओवर ये डाल जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इब्राहिम जदरन देखा जाए तो रीढ़ का हड्डी माना जाता है अफगानिस्तान का, कहीं भी किन्हीं बड़े टीम के खिलाफ खेलते एक छोर ये संभाले रखते हैं, और ऐसा इन्होंने यहाँ पर क्या 19/27 6 चौके, यहाँ पर 24 रन जो है वो चौके से ही जड़े। ईशानुल्लाह जनत इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, देखोगे तो टेस्ट में शतक भी बहुत सारे लगा कर हैं। उस्मान घानी जबरदस्त, ये भी ऑलराउंडर, ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है, तो यहाँ से ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट हैं। इनके अलावा यहाँ पर डी रसूली आएंगे, तो इन्हें GL पे जरूर ट्राई करना, इनसे पहले के लास्ट सीजन 2021 में इनका नाम बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड था।
करीम जन्नत आएंगे, ये ठीक ठाक कर लेते हैं। इनके बाद यहाँ पर आमिर हमजा आएंगे, फिर यहाँ पे जियाउर रहमान, जो कि जियाउर रहमान भी बल्लेबाजी कुछ हद तक कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों विकेट कीपरिंग सेक्शन में देखा जाए दोनों विकेट कीपर ठीक ठाक है, लेकिन मोहम्मद सजाद का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अनुभवी भी है। इनके अलावा एज जजाई यहाँ पर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग पिक करेंगे, बाएं हाथ का आक्रमक बल्लेबाज है। फिलहाल के लिए इब्राहिम जदरन को पिक किया, नजबुल्ला जदरन भी खेलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट मुकाबला ये नहीं खेले। रहमत शाह को यहाँ पर पिक किया हूँ, गजब का इनका टेम्परामेंट है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। आई जन्नत को मैं सोच रहा हूँ पिक करने के लिए, ईशानुल्लाह जन्नत को, लेकिन किन के जगह पिक करूँ ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हो सकता है मैं रहमत शाह को ड्रॉप करके यहाँ पर आई जन्नत को भी ले सकता हूँ। बाकी यहाँ पर देखा जाए एक और यहाँ पर होगा आर हसन, जो कि अच्छा इनिंग खेल के आ रहे हैं, अरसद की पारी, तो इनका भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि इसी मुकाबले में खेला, करियर रिकॉर्ड भी अच्छा है। चार बेहतर मैंने प्लेयर को यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में ज़रूर पिक किया, लेकिन इनके अलावे भी आपको नज़र आएंगे। टी अदिल का भी रिकॉर्ड बेहतर है, सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बहिर शाह का, पार्ट टाइम गेंदबाजी करते लेकिन बल्लेबाजी हर बार इनका देखोगे, लास्ट सीजन उनसे अलग वाले सीजन सब बार ये बेहतर कर लेते। मतलब कि इनके जगह पिक करूँ थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि दोनों टीमों थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाए स्ट्रॉन्ग है। अब मुजीब रहमान दौला जदरन दोनों खेलेंगे, दोनों इंपोर्टेंट नहीं खेले बात नहीं करते हैं। इस सिरजात को यहाँ पर पिक किया हूँ, अगर यदि PAL की टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो ये डेथ ओवर में डालेगा। एन मासूद को पिक किया हूँ, अगर यदि HS की टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो ये डेथ ओवर में डालेगा। तीन दोनों में से किसी एक को साथ जाऊँगा। जहीर खान जिस तरह से लास्ट मुकाबले में इन्होंने गेंदबाजी किया, कमाल की गेंदबाजी भैया, 6 विकेटें ले गए। एफ़ मलिक ये भी है पावर प्ले में अधिकतर गेंदबाजी करता, लेकिन GL पर ट्राई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैप्टन वास के लिए मैं यहाँ पर गुलबादीन नैब के ऊपर कैप्टन गया, वास मैंने करीम जन्नत को दिया हूँ। ये दोनों बेहतर कैप्टन वास के ऑप्शन भी, आप रिवर्स भी कर सकते हो। वैसे बल्लेबाजी सेक्शन में भी चाहो तो जा सकते हो, इब्राहिम जदरन, उस्मान घानी, इन लोग के ऊपर। इनके अलावा ऑलराउंडर में एस अशरफ भी हो गए, तो आप जा सकते हो। जहीर खान लास्ट मैच के आधार पर देखोगे तो और भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंटरनेशनल प्लेयर है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाए, कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।